जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर दें, और आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। सभी साथी कर लें, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य को विस्तृत पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, और KBS एल्टीग्रेड DSSB साथी वाले साथी हैं, जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है, HP टेट वाले साथी, ठीक है, आपके लिए 1500 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर का भी कोर्स आप परचेस कर सकते हो। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए दोस्तों। मॉडल पेपर यानी कि कुल मिला के 30 मॉडल पेपर और पूरे 4500 क्वेश्चन मात्र 599 में। इस मॉडल पेपर में आप दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं, साथ ही टेस्ट भी रहेंगे और साथ ही उसकी PDF भी रहेगी, तो PDF भी आप डाउनलोड कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, बहुत अच्छे से आज के प्रश्न बड़े सरल प्रश्न हैं, सभी लोग से बनेंगे, अच्छे बनेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों आज। प्रश्न क्रमांक 1 है, सभी से बनना और मस्ती से पढ़ना, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। और सभी साथी लाइक कर दें जल्दी से, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इन्फॉर्मेशन आपते दोस्तों मोबाइल पर पहुंचे जैसे ही क्लास हो, ठीक है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल का पूछा गया है, तो आपको बताया कि सर आचार्य शुक्ल ने इस आरंभिक काल को नाम दिया था वीर गाथा काल, ठीक है। तो फिर आदिकाल नाम किसने दिया था, आदिकाल नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो फिर चारण काल नाम किसने दिया था, तो चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने भी दिया था, गिरियर्सन ने भी दिया था, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है कि सिद्ध सामंत युग किसने कहा था, तो राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है, वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं, ये पूछा गया, तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चंदबरदाई हैं, जगनिक हैं, मधुकर भी हैं, ये नामदेव नहीं है वीर गाथा काल के कवि। तो यहां पर तो आपका उत्तर बी नंबर सही है, जो आपको दिख भी रहा है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन यहां पर आने वाला है दोस्तों, यहां पर आएगा आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है, बताइए जल्दी से। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, चंदबरदाई हैं क्या, जगनिक हैं, दलपति विजय हैं। तो ये तो सभी को पता है कि सर वीर गाथा काल की बात कर रहे हो, यानी कि चंदबरदाई सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था पृथ्वीराज रासो, और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ठीक है। जगनिक की बात करें तो इनकी एक रचना है दोस्तों आलाखंड या फिर परमाल रासो, आपको पता ही है, ठीक है। और दलपति विजय की बात करें तो खुमाण रासो इनकी रचना है, विद्यापति की है पदावली, कीर्ति लता कीर्ति पता का, ठीक है, तो ये आपको पता चल जाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी लोगों से बनेगा बिल्कुल। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बताना है, और जिन्होंने अभी तक कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, सभी साथी कोर्स में एडमिशन ले ले, जिनको भी लेना है, ठीक है। रमेश कुमार जी यादव, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो लगभग सभी को पता है कि सर चंदबरदाई हैं, ठीक है। बी नंबर आपका सही है, पृथ्वीराज रासो जो रचना है दोस्तों, इसको आदिकाल में छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इस पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कबीर की भाषा क्या थी, साथ ही कबीर का जन्म भी आपको बताना है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। कबीर की भाषा तो आपको पता ही है, लेकिन कबीर की वो भाषा जो आपको पता है, वो आपको बताना है कि वो उस भाषा किसने मानी है, कबीर की भाषा को वो भाषा किसने कहा है, ये आपको भी बताना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, और सभी लोगों ने बताया सी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज दोस्तों दूर करना है, कबीरदास की भाषा थी तो सादुकड़ी भाषा थी, सादुकड़ी, ठीक है,
लेकिन सादुक्कड़ी भाषा जो नाम दिया है, सादुक्कड़ी भाषा जो बताया वो किसने बताया, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी भाषा किसने कहा ये बताना। इनका जन्म तो 1398 में हुआ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये पता ही है। लहर तारा तालाब के पास हुआ, ठीक है। मास्टर कैडर की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। कबीरदास की भाषा थी तो सादुक्कड़ी, और सादुक्कड़ी भाषा किसने कहा ये आपको बताना है, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी भाषा कहा है किसने, किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल आपका ये जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो यहां पर, कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुज दंड तमक महिमारी, धरन सभापद खसे, चले भजी भय मारुत ग्रसे। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताना है दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है बताइए, तुलसीदास की है, जायसी की है, देव की है, या फिर नूर मोहम्मद की है। ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक आपका 6 है। सरोज निगम जी, श्वेता जी, जल्दी से बताइए, प्रीति जी, अनीता जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर कटिकटान कपि कुंजर भारी, ये तो आपको पता ही है कि शरीर रचना जो पंक्ति है ये तुलसीदास की है, ये नंबर आपका तुलसीदास बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नग हीर, इसको याद रखना है दोस्तों। बताइए इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, प्रश्न क्रमांक 7 नंबर है। सौरभ वर्मा जी बताइए, गेमिंग बर्ड जी, आनंद एग्जाम जी बताएं, लाइक राइट आंसर यहां पर 7 नंबर में क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। और जिन भी अभी तक, संजय पाठक जी यहां पर उत्तर क्या है, नयन जो देखा कमल सा, तो आपने बिल्कुल सही बताया कि सर नयन की बात कर रहे हो, नयन जो देखा और फिर जायसी, नयन जो देखा और फिर जायसी, यानी आपका सी नंबर सही उत्तर है, ठीक है, बिल्कुल। सूफी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों जायसी। सिवा बावनी के रचनाकार कौन है, सिवा बावनी के रचनाकार बताना है, सिवा बावनी इसके रचनाकार कौन है, और बताइए प्रश्न क्रमांक 8 में। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, सिवा बावनी फिलहाल आपसे पूछा गया है। तो गुरप्रीत जी, सरोज निगम जी, पिंकी वाला जी, सरोज जी, विनीता राय जी, उमा जी, उमा शंकर जी, सिवा बावनी के रचनाकार कौन है, और आपका उत्तर चला जाएगा कि सर सिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण, कौन है, भूषण है, यानी आपका जो बी नंबर है भूषण, ये बिल्कुल सही है। इनकी एक रचना है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण भी इनकी रचना है दोस्तों, ठीक है। और शिवराज भूषण में आपको पता है कि शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है, और यही प्रश्न आया था अभी टीजीटी में कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन मिलता है, तो कितने अलंकारों का, 105 अलंकारों का, ठीक है, इसको याद कर लेना। और सिवा बावनी के रचनाकार कौन है, भूषण है, और भूषण का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, घनश्याम। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बताना है कि घनश्याम यानी कि इनको भूषण की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी, इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी, फटाक से बताइए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नर की और नर नील की गति एक ही कर जोए, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है बताओ। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर में आपको चयन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर का। शेयर कर दो अपने साथियों को दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। ये नर की और नर नील की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए, ये जो पंक्ति है बिल्कुल सही बताया है अनुपम जी, है ना। सोलंकी राजा रुद्र ने दोस्तों इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, बहुत बढ़िया दारसु जी। और ये नर की और नर नील की जो पंक्ति है ये पंक्ति मानी जाती किसकी, बिहारी जी की। बिहारी जी का जन्म आपको पता है कब हुआ था, पटाख से बताओ। बिहारी ने बिहारी सत्सई की रचना की दोस्तों, बिहारी सत्सई की रचना किसने की, बिहारी ने, जिसमें कितने 713 दोहे माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बिहारी जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना, फटाक से बताइए। और यहां पर आते सकी बे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियों के रचयिता कौन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। सुनीता जी बताइए, सकी बे मुझसे कहकर जाते, ये जो पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाती है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नॉलेज मोटिवेशन जी बताइए, 10 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और
उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। सकीबे मुझसे कहकर जाते, और सर मैत्री शरण गुप्त की पंक्ति है, और ये पंक्ति कहां से ली गई है? यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा आपका सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले थे तो कौन थे? 11 नंबर में सृष्टि जी बताइए। अमन खान जी, हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले कौन थे? पंत थे, जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा थी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन थे? 11 नंबर का क्वेश्चन है, और 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, अब चुनाव उनाव सब हो गए हैं, इसलिए तैयार हो जाइए सभी लोग तैयारी के लिए, जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत सारी दोस्तों वैकेंसी आने वाली हैं। तो हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले जो थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 1897 में महिषादल मेदिनीपुर में, ठीक है निराला जी का। तो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तितली किसकी रचना है? किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए तितली किसकी रचना है। और जिन भी साथियों को हिंदी को बहुत अच्छे से विस्तृत पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, पहले विस्तृत सप्ताह में पूरा विस्तृत पढ़ोगे, हर संडे को टेस्ट लगाओगे, इस प्रकार से पढ़ना है कि पहले विस्तृत पढ़ें और फिर टेस्ट लगाएं, कितने नंबर आते, कितनी पढ़ाई हो रही, इस प्रकार से अगर आपको पढ़ना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है, और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तितली किसकी रचना, ये पूछा गया, तो आपको पता है कि सर ये जो तितली है ये उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद का, जिनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। किसका? प्रसाद जी का, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक के माने जाते हैं। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र इसके रचयिता कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र बताइए, अतीत के चलचित्र बताना है। संदीप सिंह जी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, निराला की है, महादेवी की है, या फिर पंत की है? अतीत के चलचित्र इसके रचनाकार कौन है? अमन अमन जी बताएं। और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर अतीत के चलचित्र आपने पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सूर्यकांत। बी नंबर सही है क्या? अतीत के चलचित्र, बोले सर सी नंबर लगा दो, महादेवी वर्मा, ठीक है, अतीत के चलचित्र, ठीक है, बहुत बढ़िया, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव, पल्लव के रचनाकार बताना है, पल्लव के रचनाकार आपको बताना है, पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। पल्लव के रचनाकार कौन माने जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। गेमिंग बर्ड जी, अगर टेस्ट बस लेना है तो आप 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, 10,000 क्वेश्चन की। पल्लव के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पंत का, निराला, प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। और आपको पता ही है कि सर ये जो पल्लव, जिसका रचना काल 1928 है, इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है, पल्लव पंत की प्रसिद्धि का आधार माना जाता है, पल्लव, पल्लव रचना। तो ये नंबर आपका पंत सही हो जाएगा, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में, कहां पर? कोसानी, अल्मोड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, जल्दी से बताइएगा, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या हरिओद हैं? चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चिंतामणि के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है। चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताइए। और आपका उत्तर है कि सर रामचंद्र शुक्ल लगा दो, सी नंबर आप सही लगा दो, सी नंबर आपका सही है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते, यहां पर आते हैं, जन्मेजय का नाज्ञा के एक किसकी कृति है? जन्मेजय का नाज्ञा के एक किसकी कृति है, बताइए, प्रसाद की है,
लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोविंद बल्लभ पंत की है या फिर सेठ गोविंद दास की है। जनमेजय का नांग यज्ञ इस कृति के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। और आपको पता ही है कि सर ये जो जनमेजय का नांग यज्ञ है ये प्रसाद का पौराणिक नाटक माना जाता है दोस्तों। इनके पौराणिक नाटकों में एक तो सज्जन और ये जनमेजय का नांग यज्ञ, इनके दो नाम आते हैं पौराणिक नाटकों में। तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, जनमेजय का नांग यज्ञ जयशंकर प्रसाद, बी नंबर राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला देख लेते दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। ये पंक्तियां कई बार आपने पढ़ी हैं, ये पंक्तियां तो आपसे बननी चाहिए, बताइए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आरती वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, मीना, मंजू जी, सही आंसर क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ वहां कल वहां चले। ये जो पंक्ति सियाराम शरण गुप्त की है, भगवती चरण वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर, ये पंक्ति बताना है। तो ये पंक्ति तो पता ही है कि सर हम दीवाने हैं किसके, भगवती के, ठीक है। तो यहाँ पर याद हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि आपका जो बी नंबर है भगवती चरण वर्मा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, यहाँ पर बताना निम्न में से, निम्नलिखित में से, यानी कि नीचे लिखित में से बताना है आपको। तो निम्नलिखित में से सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी वो किसने लिखी, श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने या फिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज 599 उसकी प्राइज है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो यहाँ पर निम्न में से पूछी गई, तो निम्न में से आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। बहुत बढ़िया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां आपसे बनेंगी, जल्दी से बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं बताइए, कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू, कहां से ली गई हैं ये पंक्तियां। और आपको पता है कि सर कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, साकेत ये मैत्री शरणगुप्त का महाकाव्य है, यशोधरा ये मैत्री शरणगुप्त का खंड काव्य है, और यही जो पंक्तियां हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी ये यशोधरा से ली गई, जो कि इनका क्या है, खंड काव्य है। यानी कि आपका उत्तर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, और उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां आपको बताना है तनु जी, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैत्री शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक आपका 20 नंबर है। अनुपम जी बताइए, सिद्धि, संदीप जी, मधु जी, देव मिश्रा जी, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 20 में, और आपका उत्तर चला गया कि सर यहाँ पर सी नंबर लगा दो, कि जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। सी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है, सी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, आंचलिक रचनाएं। आपको पता है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, मेला आंचल, और मेला आंचल की रचनाकार कौन माने जाते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। और आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, देश विशेष से होती हैं क्या, लोक विशेष से होती हैं, क्षेत्र विशेष से होती हैं या फिर जाति विशेष से होती हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 21 नंबर में 21 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, और आपका सीधा उत्तर जा रहा है कि सर जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से, यानी कि उत्तर सी आपका करेक्ट आंसर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, क्षेत्र विशेष से होती हैं। आंचलिक यानी कि अंचल, अंचल होता ना। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है, निर्गुण भक्ति काव्य का अब प्रमुख कवि तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन माना जाता है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास, कौन माने जाते हैं बताइए, सुजाता जी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, जिनको भी हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से विस्तृत पढ़ना है दोस्तों, है ना, टेस्ट लगाते हुए पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने का कोर्स, निरंतर अध्ययन के लिए कोर्स बनाया गया है,
ठीक है। तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीरदास, जिनका जन्म हुआ था 1398 में, 1398 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, किसका? कबीरदास का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आपका, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा प्रश्न क्रमांक 23 है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? सभी लाइक करें फटाक से, कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। एक अच्छा क्वेश्चन है, श्रद्धा पूछा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका मानी जाती है, ये क्वेश्चन है बढ़िया सा सुपर सा क्वेश्चन है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर जो श्रद्धा है ये जो मानी जाती है ये कामायनी, कामायनी की नायिका मानी जाती है, है ना। तो आपका उत्तर चला जाएगा एक नंबर चला जाएगा, ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिया ही न पान, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? रहीम की हैं क्या, कबीरदास की हैं, रसखान की हैं या फिर विहारी की हैं? तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिया ही न पान, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुभाष सिंह जी, अनुपम जी, पूजा राज जी, हेमा जी, बताइए सही आंसर क्या है। आज के क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सरल क्वेश्चन है गौरव यादव जी, है ना। तो तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिया ही न पान, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपको बताना है, बिहारी की है क्या, रहीम की है? तो आप लोगों ने उत्तर लगाया है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है रहीम दास की, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिया ही न पान, ये पंक्ति रहीम दास की है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाई, ये पंक्ति किसकी है? यहाँ पर ये पंक्ति अलंकार में भी पूछी जाती है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बताते कि सर इसमें अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है, रचनाकार पूछा गया है, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाय, ये रचनाकार पूछे गए हैं, तो बताइए जल्दी से बताना है, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाय, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, और ये आपका उत्तर है कि सर ये भारतेंदु जी लगा दो, जिनका जन्म 1850 में हुआ था, 1850, ठीक है, ये नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बेलो के वो हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी, ये जो पंक्तियों के रचनाकार है ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताइए, बहुत बढ़िया जल्दी से बताना है। राहुल राज जी, पूनम जी, उमा जी, आदेश देवी जी, बुंदेलो हर बोलो के मोहे हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी बहतो, बोले सर सुभद्रा कुमारी चौहान लगा दो, सी नंबर लगा दो, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंकी, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, जहां आप लोग बिल्कुल चौके छक्के लगाते हो, ये पंक्ति किसकी है? 227 नंबर का क्वेश्चन, अब तो गलत नहीं होना चाहिए, इतना सही जो बचपन से पढ़ कर आ रहे कि मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, है ना, मातृभूमि की रक्षा करने, ठीक है, शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, और ये पंक्तियां हैं किसकी पंक्तियां हैं, बोले सर ये पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, जिनका जन्म हुआ था 1889 में, जिनको हिम तरंगणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सबसे पहले, यानी कि 1955 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक दोस्त अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? 28 का क्वेश्चन है, 28 में बताना है, जल्दी से बताइए। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक? दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, ये पंक्ति बतानी है, ये पंक्ति 28 नंबर में, ये पंक्ति है दोस्तों किसकी, किसकी पंक्ति है? बोले सर राहुल सांकृत्यायन की, यानी कि आपका उत्तर कहाँ चला गया, उत्तर चला गया ए नंबर, ठीक है, ए नंबर लगा दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या माना जाता है, जल्दी से बताना है आपको, उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है,
ये पूछा गया आपसे, व्यंगात्मक है, प्रशस्ति परक है, श्रृंगारक है या कारुणिक है, तो उत्तर है प्रशस्ति परक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर कैसा माना जाता है? प्रशस्ति परक माना जाता, यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है, शालिभद्र सूरी है, स्वयंभू है या फिर हरिभद्र सूरी है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी। और 30 नंबर में आपका राइट आंसर चला गया कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत माने जाते हैं। ये नंबर आपका सही है, पुष्पदंत आपका राइट आंसर है, ये नंबर बिल्कुल सही है रेखा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? आपको पता है प्रथम सूफी रचना कौन सी मानी जाती है, प्रथम सूफी काव्य कौन सा माना जाता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो आपको पता ही है। देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? नूर मोहम्मद है, जायसी है, मुल्ला दाऊद है या फिर कुतुबन है। तो अधिकांश लोग क्या बता रहे हैं कि सर जो प्रथम सूफी काव्य के माने जाते हैं रचयिता वो माने जाते हैं मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन, चंदायन है ना, सी नंबर, सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। लखविंदर कौर जी, कमला जी बताइए, जसमेल जी, शोभा जी, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हो? उमा जी बताओ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका उत्तर है कि सर हिंदी के जो प्रथम गद्यकार माने जाते हैं वो गद्यकार माने जाते हैं कौन? लल्लू लाल, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर, लल्लू लाल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी दोस्तों, ठीक है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपको बताना है, 33 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपसे पूछा गया है, सम्मेलन पत्रिका है, उदंत मार्तंड है, सरस्वती है, नागरी प्रचारणी पत्रिका है, इनमें से आपको चयन करना है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें साथियों, और जिनको हिंदी साहित्य निरंतर पढ़ना है, अपना अध्ययन निरंतर जारी रखना है, ठीक है, पुनीत शर्मा जी, वो साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन ले सकते हैं, लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, ट्रिक से पढ़ सकते हैं। तब आपका उत्तर है सर उदंत मार्तंड, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था, पंडित जुगल किशोर दोस्तों इसके क्या थे? संपादक थे, ठीक है। और ये जो उदंत मार्तंड था ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो आपका उत्तर बी नंबर की ओर सही चला गया, बी नंबर आपका राइट आंसर चला गया। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या उत्तर लगाओगे बताइए, छायावाद के प्रवर्तक, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को प्रवर्तक माना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुगुरधर पांडे को माना, ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना, नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना दोस्तों, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर नॉर्मल आया है, विकल्प में सारे एक साथ आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या उत्तर लगाओगे कि सर छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, यानी कि आप डी नंबर लगा देना, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। प्रसाद को दोस्तों आपको पता है कि छायावाद के आधार स्तंभों में प्रमुख माना जाता है, और छायावाद का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम एक कथन किसका है? 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है ये कथन किसका? एक कथन पूछा गया, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदलाली वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत का? जल्दी से क्वेश्चन बताना है आपका सही। प्रयोग प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कई बार ऐसा पूछा जाता है आपसे, और आपका सही उत्तर जा रहा है कि सर प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है ये कथन है किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का, जो स्वष्टवादी आलोचक हैं, जो दोस्तों स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, जिन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का,
ये भी याद रख लेना। और ये प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये भी किसने कहा था, नंद दुलारे वाजपेयी ने, यानी कि उत्तर आपका सी नंबर चला जाता है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, 36 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन, ये बताना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पूनम रानी जी, सोनू जी, युवराज जी, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या माना जाता है ये बताना है। संजय पाठक जी ले लो एडमिशन, ले लो ऐप में, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में ओपन करना, उसमें नाम डालना, नंबर डालना, जीमेल डालना, ओटीपी आएगा तो ओटीपी डालना, ऐप ओपन करना, स्टोर पर क्लिक करना, फिर संपूर्ण कोर्स पर क्लिक करना दोस्तों, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बाय नाउ, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, बोले सर मंगल सूत्र अधूरा रह गया प्रेम में, ठीक है। तो ये सी आपका मंगल सूत्र, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर को, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो किस रचना पर प्राप्त हुआ था, ये पूरी की पूरी रचना है दिनकर जी की, आप देख रहे हैं दोस्तों। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, आपको पता है कब हुआ था, दिनकर का 1908 में जन्म हुआ था, 8 में, इन्हें अनल का कवि, अनल कवि कहा जाता है दिनकर जी को दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है कि दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था और कब प्राप्त हुआ था, ये भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर रश्मि रथी पर मिला था, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर, तो आपको पता ही है कि सर इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले, लेकिन वो मिला था कब, 1972 में, ठीक है, 1972 में। उसके पहले दोस्तों जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1968 में मिला था, किसको, सुमित्रा नंदन पंत को, चिदंबरा के लिए मिला था, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर कहां चला गया, डी नंबर, ये 1961 की रचना है, ये भी याद रख लेना, इसका रचना काल क्या है, 1961 है। एक रचना और उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, 1909 की रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 1909 में एक उर्वशी जयशंकर प्रसाद की, उर्वशी एक दिनकर की भी रचना है, ये 1961 की है, वो 1909 की है, वो चंपू काव्य है, ठीक है, ये याद कर लेना है। रामचंद्र जी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का, इतिहास के बताना है, उत्तर बताइए जल्दी से। पर मंथ क्या चार्ज, पर मंथ का नहीं है, पूरा 1500 है एक साल के लिए, वैलिडिटी एक साल की रहती है, यानी कि पूरा 1500 एक साल के लिए वैलिडिटी के साथ इसमें एडमिशन ले सकते हो आप। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए, बताइए कौन सा है, बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया 38 नंबर में। और दोस्तों आपको पता है कि सर हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले जो प्रयास किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो प्रयास किया था, वो प्रयास किया था गारसादा तासी ने, इस्तवारदा लतीतुर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से ग्रंथ लिखा, जो दो भागों में प्रकाशित था दोस्तों, एक तो 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशन हुआ था। फिर इसका दूसरा संस्करण प्रकाशन हुआ था 1873 में, जो तीन भागों में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। राम कुमार वर्मा ने माना कि इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ, जो तीन भागों में बटा था, लेकिन ये सबसे पहले जो ग्रंथ है, पहला जो इसका संस्करण प्रकाशित हुआ था, वो दो भागों में था, 1839 और 1847 में। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर तो यही है, गारसादा तासी है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद चर्चा करते पद्मावत, ये किसकी रचना है, पद्मावत की बात करें दोस्तों कि पद्मावत में कितने भाग हैं, तो दो भाग हैं। पद्मावत में कितने भाग हैं, दो भाग हैं, एक तो पूर्वार्ध भाग है और एक भाग है उत्तरार्ध भाग, ठीक है। फिर आता है कि पद्मावत में खंड कितने हैं, तो 57 खंड है। फिर पूछा जाता है पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा अवधी है, ठीक है। ये तीन प्रश्न और आपको एक्स्ट्रा पता करना है। और पद्मावत दोस्तों प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है, प्रमाणिक, क्योंकि आपको पता है पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक नहीं है, अर्ध प्रमाणिक है, ठीक है। ये पद्मावत प्रथम प्रमाणिक है और इसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी जी, ठीक है। तो आपका डी नंबर जायसी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक अच्छा है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी लाइक जरूर कर दिया करें सभी साथी, और सेल्फ अपने मित्रों को भी बताएं, ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, ठीक है। बाकी दोस्तों पेड क्लास की, पेड क्लासें भी होती हैं, जो पेड मेंबर होते हैं हमारे, जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, उनकी क्लासें शाम को 5 बजे, 5 से 5:40 और 6:30 से 7:10 तक, वो दो लाइव क्लासें होती हैं, बाकी रिकॉर्डेड कोर्स पूरा रहता है।
टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, ट्रिकी वीडियो रहते हैं, है ना, डाउट्स वाले वीडियो रहते हैं दोस्तों। और हर संडे को टेस्ट भी आपका कराया जाता है पैड वाले कोर्स में। तो 42-25 ही, यानी कि आपने उत्तर लगाया कि सर जो 42-25 ही इसके रचनाकार हैं, वो रचनाकार हैं सुरति मिश्र, सुरति मिश्र हैं, सुरति खाता, ठीक है, बेताल, बेताल याद रख लेना, बेताल है। बोले सर हमारी जो सूरत है वो कैसी है, बेताल है, जिसका कोई ताल ही नहीं है। सूरति कैसी है, बेताल, बेताल सूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुहाग के नुपुर, इसके रचनाकार कौन है, सुहाग के नुपुर। कई बार अपन ने याद किया है कि सर सुहाग तो कैसा होता है, बोले हर दोस्तों सुहाग जो होता है वो अमृत के जैसा होता है, अमृत के जैसा क्या होता है, सुहाग, ठीक है। तो सुहाग कैसा होता है, सुहाग से सुहाग के नुपुर, और कैसा होता है, बोले सर अमृत के जैसा होता है। तो अमृत लाल नागर, अमृत लाल नागर का है, टिक लगा दे क्या, बहुत बढ़िया, सी नंबर आपका सही है। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है, अमृत लाल नागर जी हैं, यानी सी नंबर। उदय यादव जी, नीतू जी, सोलंकी जी, बिल्कुल सही आंसर लगाया आप लोगों ने। संस्कृति के 4 अध्याय, बताइए जल्दी से, दिन में पढ़ोगे या रात में पढ़ोगे, संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय, बताओ दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, दिनकर या फिर दोस्तों भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपने बताया कि सर जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं या संस्कृत के 4 अध्याय, इनको हम दिन में ही पढ़ेंगे, इनको हम कहाँ पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं दिनकर। और इनका जन्म कब हुआ था, बोले सर 1908 में हुआ था, 1908 में दिनकर जी को, ठीक है, ये याद रखते हैं ना। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथ, इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अशोक के फूल, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, अशोक के फूल। तो आपको पता ही है कि सर अशोक में एक फूल फूलेंगे या 1000 फूल फूलेंगे, बताओ, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है। तो बताइए अशोक के फूल में एक फूल या फिर 1000 फूल। तो यहाँ 43 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, अगर आपको डीप में पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है दोस्तों, थ्योरी पढ़ना है हिंदी साहित्य की बहुत अच्छे से, तो आज ही आप एडमिशन ले सकते हो सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाकर के। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, और उत्तर चला गया आपका डी नंबर, यानी कि अशोक में एक फूल नहीं फूलेगा, कितने फूल, बोले सर 1000 फूल फूलेंगे, 1000 फूलेंगे ना, तो अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों झरना, झरना काव्य संग्रह, इसके रचनाकार कौन है, झरना आपको पता है, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है, झरना, ठीक है। और ये झरना जो रचना है 1918 की रचना मानी जाती है दोस्तों, 1918 की, ठीक है। और 1918 से ही छायावाद का क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है, 1918 से छायावाद का क्या माना जाता है, प्रारंभ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आपको बताना है, और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना है। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, सोहनलाल द्विवेदी है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। तो आपको पता ही है कि सर जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला इसे कहा जाता है, 1918 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है, ये भारत भारती पूछा गया था। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैत्री शरण गुप्त ने दोस्तों, आपको पता है कि मैत्री शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि है, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी इन्हें, ठीक है। और ये प्रबंधकार के रूप में दोस्तों इनकी पहचान है, क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखे हैं तो वो लिखे हैं मैत्री शरण गुप्त ने, ठीक है। इन्होंने 19 तो खंड काव्यों की रचना की है दोस्तों, और 2 महाकाव्यों की रचना की है, जिनमें नाम आता है साकेत और जय भारत का, ठीक है। यहां पर भारत भारती लिखा है, तो इसका रचना काल है 1912, बोले 12 बार माँ भारती को प्रणाम, 12 बार माँ भारती को प्रणाम, तो 1912 और भारत भारती, ठीक है, मैत्री शरण गुप्त। और इसी भारत भारती की प्रसिद्धि के कारण इनको दोस्तों क्या हो गया था, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, किसने, मैत्री, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है, 46 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दोहा कोश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, निशा सिंह जी, लखविंदर ओम प्रकाश, रजिया कोसर जी, प्रमोद सिंह, बताइए, अरुण कुमार जी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरूसी जी, ज्ञानेश जी, बताइए, शैलजा जी, मुकनाथ जी, पूजा देवी जी, सुरेंद्र नाथ जी, दोहा कोश के रचयिता कौन है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपने बता दिया कि सर यहाँ सरहपा लगा दो, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किसने, राहुल सांकृत्याय ने, ठीक है। सरहपा को सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं दोस्तों, सरहपा, जिनकी रचना कौन सी है,
दोहा कोश है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं, जिनको भी दोस्तों पढ़ना है हिंदी साहित्य, वो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, पूरा सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, मास्टर कैडर वाले हैं, केबीएस एलटी ग्रेड डीएसएसबी वाले हमारे जो साथी हैं, जिनको भी हिंदी साहित्य विस्तृत पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में। और 1500 में 1 महीने नहीं, 12 महीने पढ़ सकते हैं, 12 महीने पढ़ सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी, और पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए दोस्तों, मॉडल पेपर 30 मॉडल पेपर 599 में। ठीक है, जिसमें 4500 क्वेश्चन रहेंगे पूरे, और 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो मंजू यादव जी, राजीव मौर जी, शिव कुमार जी, वीना जी, चौहान, शिखा जी, पुनीत जी, दीपिका जी, मुसरत नजा, पिंकी वाला जी, अनीता जी, पूनम जी, जसमेल जी, बिंदु जी, ठीक है, आरती वर्मा जी, सृजन जी, बहुत बढ़िया, रजनी जी, रेखा त्रिपाठी जी, गीता देवी जी, पायल रानी, विजय लक्ष्मी, सुरेंद्र नाथ जी, मनंत जी, स्टडी विथ जी, विनीता जी, आस्था, राहुल राज, तनु जी, अनीता, सुनील कुमार जी, महेश कुमार जी, युवराज जी, ठीक है, युवराज जी बताइए, सोनू जी और जसमेल जी, बीनू, संदीप जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, रेखा जी, रावत जी और जाहेद अली जी, मुकनत जी, पिंकी जी, सुभा जी, पूनम जी, रेशमा, कोयल जी, बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर जी, विश्वास मलिक जी, सृष्टि जी, पायल जी और सृष्टि जी, बीनू जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग बने रहे सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के साथ। जिनको एडमिशन लेना है, एक बार सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर के आप देख सकते हैं प्ले विथ नंबर जी। ठीक है, और सभी साथियों को धन्यवाद। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।